बबन तायवाड़े, अध्यक्ष राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ। राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ देश में ओबीसी समाज के लिए कार्यरत सभी छोटे छोटे संगठनों का एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से ओबीसी समाज की जो 24 प्रमुख मांगे हैं, ये मांगे केंद्र शासन और राज्य शासन के प्रतिनिधियों के सामने रखकर उनको छुड़वाने की और उनके वो समस्या हल करने की इस अधिवेशन के माध्यम से हम लोग कोशिश करने वाले हैं। इसमें प्रमुख जो मांग है कि पूरे देश में जो ओबीसी है उनकी जात न्याय जनगणना करें और ओबीसी समाज के लिए पूरे केंद्र में एक स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालय शुरू करें। ओबीसी समाज के जो मंडल आयोग है, नचिपन आयोग है, स्वामीनाथन आयोग, इनकी जो सिफारिशें है वो जल्द से जल्द लागू करें। ओबीसी समाज के बच्चों के लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में हॉस्टल्स की सुविधा शुरू करें, सारे कोर्सेज को स्कॉलरशिप लागू करें। हमारे ओबीसी भाई बहन मैक्सिमम गांव में रहते हैं, किसान मजदूर होते हैं, इनको उम्र के 60 साल के बाद पेंशन योजना लागू करें। हमारे जो दैवत है महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले, इन्हें भारत संयुक्त भारत रत्न जल्द से जल्द प्रदान करें। हमारे ओबीसी के ऊपर लगाई गई एट्रोसिटी की या हमें एट्रोसिटी में इंक्लूड करें और जो नॉन क्रिमिनल की कंडीशन है, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसे जल्द से जल्द रद्द करें। ऐसी और भी सारी मांगे हैं। ये सारी मांगों की ओर केंद्र सरकार और राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस अधिवेशन का आयोजन किया है। इस अधिवेशन का उद्घाटन हमारे महाराष्ट्र राज्य के माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस करने वाले हैं। इस अवसर पर महाराष्ट्र प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष खासदार अशोकराव जी चव्हाण, हमारे केंद्रीय मंत्री हंसराज जी अहीर, हमारे ओबीसी नेता छगनराव जी भुजबळ, एकनाथराव जी खडसे, जयदत्त जी क्षीरसागर विशेष रूप से उपस्थित रहने वाले हैं। इन्हीं के साथ महाराष्ट्र राज्य के मंत्री पंकजाताई मुंडे, दीपक जी सावंत, महादेवराव जी जानकर, राम शिंदे जी, चंद्रशेखर बावनकुळे जी, ये लोग भी इस अधिवेशन में उपस्थित रहने वाले हैं। इस अधिवेशन का मुख्य आकर्षण जो है कि हमारे राष्ट्रीय स्तर के ओबीसी मार्गदर्शक सन्माननीय वी ऐश्वर्या जी, जो आंध्र प्रदेश के माजी न्यायाधीश रह चुके हैं और राष्ट्रीय मागास वर्गीय आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं, जिन्होंने ओबीसी समाज के लिए बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, उनका सत्कार इस अधिवेशन में हम लोग करने वाले हैं। और उसी के साथ हमारे ओबीसी समाज के एक वरिष्ठ नेता, जिन्होंने अपनी सारी उम्र इस ओबीसी के काम के लिए गुजार दी, ऐसे ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक अध्यक्ष श्री शब्बीर अहमद अंसारी साहब, इनका भी सत्कार समारोह इस अधिवेशन में होने जा रहा है। उसी के साथ इस मांगे पूरी करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकत में ओबीसी भाई बहनों ने इस अधिवेशन में उपस्थित रहकर अधिवेशन के आयोजकों का हौसला बढ़ाने की कोशिश करें, यही विनती मैं आपके माध्यम से करता हूँ। सर, महाराष्ट्र में कॉन्सेंट्रेशन करके हम लोग ये 7 तारीख को एक बहुत बड़ा प्रोग्राम ले रहे हैं, जिसमें हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं 12 से 15 हज़ार लोगों के आने की। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को अपनी बात ओबीसी समाज के सामने झुकना पड़ेगा, ऐसी मुझे पूरी आशा है। और सरकार जो है वो इस बात का नोटिस लेगी कि ओबीसी जो है महाराष्ट्र में बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, और अगर सरकार आगे चलना है तो और सबके विकास की अगर आप बात करें तो सबके जो भी हकूक है वो सरकार को मानने पड़ेंगे, हमारे जो भी मुतालबात हैं, और ख़ासकर जो मंडल कमीशन की जो सिफारिशात हैं ओबीसी को लेकर, वो हम मुतालबा करते हैं सरकार से आपके माध्यम से कि सरकार मंडल कमीशन की सिफारिशात को लागू करें। थैंक यू। मंडल कमीशन, मेरा नाम इकबाल अंसारी, मी महाराष्ट्र मागासवर्ग आयोगाचे माजी सदस्य आणि मुस्लिम ओबीसी संघटनेचा अध्यक्ष आहे। आमचे असे जे मागणे त्यांनी फोन केले त्याचा मुस्लिम ओबीसी संघटनेतर्फे पूर्ण सपोर्ट आहे, आणि त्यांना सपोर्ट करण्यासाठी माननीय तायडे साहेबांनी जे अधिवेशन पुकारलेलं आहे घेतलेलं आहे त्याला सपोर्ट करण्यासाठी या ठिकाणी आलेलो आहोत। आणि ज्यांची ती मागणी आहे त्या आमचे आणखीन मागणे असे आहेत की जातीय दाखले मिळण्यासाठी आणखीन जे GR जे आहे ते फार त्याच्या त्रुटी आहे, ते फार असे चुका राहिलेले आहे, ज्यामुळे खासकर ते मूळगावी जाऊन दाखले काढा, यामुळे फार लोकांची अडचणी वाढलेली आहे आणि त्यांना या सवलती वेळेवर मिळत नाही आहे। तसेच नॉन क्रिमिनलचा जे मुद्दा आहे ते रद्द केला पाहिजे अशी जी मागणी आहे त्याला आम्ही धरलेलं आहे, त्यामुळे फार लोकांचं नुकसान होत आहे आणि याकरिता
ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गनाइजेशन आणि सर्व मुस्लिम बांधव या अधिवेशनाला उपस्थित राहणार आहेत जास्तीत जास्त संख्येने आणि त्यांच्या सगळ्या मागण्याला आम्ही सपोर्ट करणार आहोत. आम्ही वेगळं मागत नाही आहे, जर आवश्यक नसलं जेव्हा संविधान लिहिलं गेलं त्या संविधानामध्ये 340 पहिले लिहिलं गेलं ओबीसी करता, नंतर एस सी करता 340 आणि नंतर एस टी करता 340.